स्वागत है आप सभी का ठीक डेढ़ महीने बाद मेरे इस चैनल पे, जहां पिछली वीडियोस में व्यूज नहीं आ रहे थे इस वजह से थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता, बट कल की का ट्रेलर आने वाला है तो सोचा एक दो वीडियो डाल के चैनल थोड़ा अलाइव हो जाए, ऐसा कुछ कर लेता हूँ, चार पांच व्यूज मैं भी कमा लूंगा कल की के नाम पे। खैर एनीवेज, आज मैंने थिएटर में देखी मैडॉक फिल्म्स की मुंजिया मूवी, और सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका ये होगा कि क्या ये मूवी स्त्री के यूनिवर्स से कनेक्टेड है? तो हाँ कनेक्टेड है। छोटा सा एक कैमियो भी है मूवी के एंड में, जो कि उतना कुछ खास रेफरेंस रखता नहीं है यूनिवर्स से, बस नाम का ही कैमियो है ताकि आपको पता चल जाए कि मूवी कनेक्टेड है। इसके अलावा मूवी की बात करूँ तो मुझे इस मूवी से कुछ खास एक्सपेक्टेशन थी नहीं, क्योंकि मैंने इस मूवी का ट्रेलर भी बिना ऑडियो के देखा था। अब उसका रीज़न ये है कि आलस रीज़न है, मैं हेडफोन लेने नहीं जा पाया इसलिए बिना ऑडियो के ही देख लिया। खैर सिंपल अगर शॉर्ट में रिव्यू करूँ तो देखो मूवी ठीक ठाक है, वन टाइम वॉच के लिए बहुत बढ़िया है, तुम्हारा पैसा जो है वसूल कर देगी, बोर बिल्कुल नहीं करती है। दो घंटे के रन टाइम के साथ ये मूवी आती है और देखो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज किया इस मूवी ने। खैर मूवी की स्टोरी की बात करें तो आपको भी पता होगा कि इस यूनिवर्स की सारी मूवीज़ की जो स्टोरीज है वो अपने इंडियन के फोकलोर से उठाई जाती है, तो वो चीज़ें थोड़ा बहुत फैसिनेट तो करती हैं, बट उन चीज़ों को ज़्यादा देर तक रखा नहीं जाता। मुंजिया की जो ऑरिजिन है उसे हराने का तरीका जो है उसे शॉर्ट में समझा दिया जाता है, हालांकि उस चीज़ को थोड़ा और डिटेल में बताते हैं और उस बारे में कि फोकलोर को और ज्यादा एक्सप्लोर किया जाता तो वो ज्यादा बेहतर होता, मतलब ज्यादा एंगेजिंग लगता। लेकिन उसके अलावा भी मूवी की स्टोरी ठीक ठाक है, मुझे तो काफी सही लगी, कैरेक्टर को जस्टिफाई जरूर कर देती है। इसके बाद इस मूवी की सबसे तगड़ी चीज जो मुझे लगी वो इस मूवी का म्यूजिक, मतलब कई टाइम पे तो इस मूवी का म्यूजिक चिल्स दे रहा था, और साथ ही इस मूवी के क्लाइमैक्स में भी एक म्यूजिक यूज होता है वो तो भाई रवि बसरूर को टक्कर दे रहा था, मतलब लिटरल उसको तुम सलार की फाइट सीन में लगा दोगे तो भी वो सही लगेगा। इवन एक टाइम पे तो वो RRR के द वाटर वाले थीम से भी मैच कर रहा था, और द वाटर वाली थीम को रिप्लेस भी कर सकता था। मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बोल हो सकता है तुम्हें लग रहा हूँ कि मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ कि RRR के म्यूजिक को कैसे मैच कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, बट एक बार तुम वो म्यूजिक सुनोगे ना तो तुम्हें भी लगेगा कि हाँ काफी सही है, मतलब एलिवेशन देने के लिए बहुत बढ़िया है। पता नहीं क्यों हॉरर मूवी के क्लाइमेक्स सीन में इस म्यूजिक को यूज कर लिया है, पता नहीं, गॉड नोज। आगे बात करें तो मूवी के एक्ट्रेस ने काफी सही काम किया है, मतलब जो लड़का था अपना मेन लीड उसका जो कैरेक्टर है वो मुझे थोड़ा बैडली रिटन लगा, मतलब बैडली रिटन क्या ही कह सकते हैं, हॉरर मूवी में होता ही है बंदे बकचोदी करते हैं जिसकी वजह से पूरी कहानी शुरू होती है, तो वही बकचोदी कर देता अपना बंदा जिसकी वजह से पूरी मूवी की कहानी टिकपिस करते। इसके अलावा एक स्पेशल मेंशन शर्वरी वाघ का, एक्टिंग तो अच्छी थी पर सबसे बढ़िया काम किया उन्होंने मूवी के एंड होने के बाद आइटम नंबर 1, मजा आ गया भाई। मैं YouTube पे देख के गया था सिर्फ एक मिनट, मैं तभी जान गया था कि भाई इस मूवी में मुझे एंड तक बैठना है, और इट वॉज वर्थ इट था भाई मूवी के एंड तक बैठना, बढ़िया डांस नंबर था। इसके अलावा मूवी के म्यूजिक और भी, मतलब जो मैंने अभी एक बैकग्राउंड म्यूजिक बताया फिर और ये आइटम नंबर, इसके अलावा दो तीन और गाने हैं मूवी में जो कि मुझे बहुत सही लगे, इट्स गुड, सुनोगे तो तुम्हें भी मजा आएगा, अच्छा लगेगा। इसके अलावा मूवी का VFX और CGI की क्या ही बात करें, काफ़ी कम बजट होता है मूवीज़ का, पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जितने भी तुम्हें VFX और CG के काम दिखेंगे वो नाइट के टाइम पे हैं तो उतना कुछ खास अफेक्ट करेगा नहीं। ओवरऑल बोलूँ तो विजुअल्स उतने ज़्यादा स्कैरी नहीं है, बस साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक के दम पे ही तुम्हें डराने की और जंप स्केयर्स देने की कोशिश की जाती है, जो कि कई कई टाइम पे वर्क भी करते हैं, और कॉमेडी भी काफ़ी ठीक ठाक है इस मूवी के अंदर, मतलब मुझे तो कई कई जगह पे हंसी आई पर मेरे थिएटर्स वालों को ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मतलब क्योंकि वो लोग शायद मूवीज कम देखते हैं, और ह्यूमर तुम्हें पता है कि सब्जेक्टिव होता है और पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। तो आई मस्ट से कि मूवी का फर्स्ट हाफ कॉमेडी और ड्रामा का एक परफेक्ट मिक्सचर है, और मूवी का सेकंड हाफ तुम्हें चिल्स देता है, और एट द एंड में समअप करके अगर अपना ओपिनियन दूं तो वन टाइम वॉच के लिए मूवी काफी सही है, तुम जाके देख सकते हो, एंजॉय करोगे, बोर तो बिल्कुल नहीं होगे। इसके अलावा मूवी के एंड में स्त्री यूनिवर्स से एक कैमियो भी है जो कि मैं यहाँ पे स्पॉइल नहीं करूंगा, हालांकि वो कुछ इतना मैटर करता नहीं है और मेरे ख्याल से फ्यूचर की मूवीज में उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा, बस एक फैन सर्विस के लिए उन्होंने कैमियो डाल दिया ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ये मूवी भी कनेक्टेड है। बाकी स्त्री यूनिवर्स की अगली मूवी होगी स्त्री 2, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली हमें अगले साल देखने को मिलेगी, उस मूवी की शूटिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है, और उससे रिलेटेड अगर तुम अपडेट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं हर हफ्ते सिने फ्लैश का एक एपिसोड डालता हूँ जहाँ पर मैं बॉलीवुड और वर्ल्ड सिनेमा की अपडेट्स को कवर करता हूँ, मतलब डेढ़ महीने से नहीं कर रहा था बट अब से करूंगा, रेगुलर हो चुका आई प्रॉमिस। खैर आज की इस वीडियो के लिए बस इतना, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो तुम्हें सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा होगा उसको मार दो, कैसे भी ठोक पीट के बजा दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।